नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक जगह के बारे में जो बिहार के कई ही पीढ़ियों के आज भी गवाह है। वह किला जो कई बादशाहों, शासकों और साम्राज्यों के उत्थान पतन का गवाह है। बिहार अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को आज भी सहेजे हुए है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि हमारी विरासत कितनी मजबूत रही है और बिहार किन किन घटनाओं का साक्षी रहा। बिहार ही नहीं, पूरे देश की इतिहास को अगर हम पढ़ें तो हमें गर्व से सर ऊंचा हो रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उस जगह के बारे में जहां कभी कुषाण के राजाओं ने तलवारें चमकाई थी तो कभी मीर कासिम के बारूदी धमाकों से गूंजती थी। आज हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन मुगलकालीन मुंगेर के किले के बारे में। प्राचीन काल में मुंगेर किला का निर्माण मगध राजा जरासंध ने करवाया था, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। बाद में इसी किले पर कई राजा ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने मुंगेर की स्थापना की और इसकी राजधानी चंपानगर बनाई थी। बाद में मुगलों ने इस किले पर अपना अधिकार स्थापित किया और धीरे धीरे अपना नाम बदलता गया। सन 1225 में मुंगेर के इस किले में मोहम्मद गौरी के हाथों पाल राजाओं की पराजय देखी तो यह पठानों के शासनकाल में दिल्ली के शासकों की बादशाहत का भी गवाह बना। मुंगेर के किले ने न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल, उड़ीसा और दिल्ली सल्तनत की सभी लड़ाइयों को देखी है। मुगल काल की घटना के बारे में बताते हुए इतिहासकार डॉक्टर कयासुद्दीन अहमद बताते हैं कि उत्तर भारत के शुरुआती दौर में बिहार के इसी क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाकर शेरशाह दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ था। शाह गोजा और मीर कासिम के दौर में मुंगेर को बंगाल की राजधानी बनने का भी मौका मिला। मुंगेर के किले के अहाते में दो में से एक टीले पर महाभारत कालीन योद्धा राजा कर्ण के भवन होने की भी बात कही जाती है, जिसे अंग्रेज अधिकारी जनरल गोडियार ने अपने कमांडिंग ऑफिसर के लिए एक बंगले का निर्माण करवाया था। इस किले की अहमियत दो कारणों से और भी बढ़ जाती है, जिसमें पहला कारण है मुगल काल में दिल्ली और बंगाल के बीच प्रमुख मार्ग पर स्थित होना। बंगाल अभियान के दौरान हुमायूं का काफिला इसी रास्ते से गुजरा था तो सन 1573 और सन 1575 में इसी किले पर अकबर की फौज को भी देखा था। बिहार इज ए एज ऑफ द ग्रेट मुगल अकबर पुस्तक की माने तो मुगल बिहार सूबे के पूरब में स्थित अंतिम क्षेत्र और बिहार के इस सूबे की सीमा को रोल अदा करता है। मुंगेर से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर तेलियागढ़ी का वह किला मौजूद है, जिसे पार करने के बाद बंगाल की सीमा में प्रवेश किया जा सकता है। वहीं अगर आईने अकबरी की माने तो अकबर के समय से बिहार 7 प्रांतों में बटा था, जिसमें से मुंगेर भी एक था। मुंगेर किले के महत्वपूर्ण होने का दूसरा कारण है सामरिक दृष्टि से इसका शक्तिशाली होना। इसकी मजबूत किलेबंदी, जिसकी चर्चा भारतीय इतिहास सहित 18वीं से 19वीं शताब्दी में है। भारत में भ्रमण करने आए H.H. विल्सन हेवल्स ने अपने वर्णन में बहुत ही रोचक तरीके से इन किलों के बारे में बताया है। अब हम बात कर लेते हैं मुंगेर किले के बनावट के बारे में। मुंगेर का यह किला एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा है, जिसे पश्चिम में आंशिक रूप से उत्तर की ओर गंगा नदी के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 175 फीट चौड़ी खाई और खड़गपुर की पहाड़ियां इसकी रक्षा करने के लिए तैनात थी। मुंगेर किले के बारे में ASI ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करते हुए बताया है कि 2.5 मील व्यास में यह 222 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। आपको बता दें कि किले की दीवार 30 फीट चौड़ी है, अंदरूनी दीवार 4 फीट और बाहरी दीवार 12 फीट चौड़ी है। इसके मध्य में 14 फीट का फैलाव है, जिसके दीवारों के बीच में मिट्टी से भर दिया गया है। इस किला के 4 द्वार हैं, जिसमें से उत्तरी द्वार को लाल दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह विशाल दरवाजा नक्काशीदार पत्थरों से हिंदू बौद्ध शैली में बना हुआ है। किले के स्थित गुप्त सुरंग पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। 1934 में आए भीषण भूकंप से इस सुरंग को काफी क्षति पहुंचा था। अब बात करते हैं मुंगेर के किले के अंदर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। सन 1657 में शाहजहां के बेटों के बीच में मुगल तख्त की लेकर लड़ाई शुरू हो गई। राजमहल पर सूजा ने अपना अधिकार जमा लिया और मुंगेर किले के सामरिक महत्व को देखते हुए यहां आकर उसकी गतिविधियां संचालित करने लगा। शाहजहां के बेटों के बीच में चल रहे संघर्ष में औरंगजेब को जीत मिली और वह सीधा दिल्ली के तख्त पर काबिज हो गया। इसके बाद औरंगजेब ने सूजा को दोस्ताना अंदाज में एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा कि बंगाल की मनसबदारी के अलावा पूरे बिहार सौंपने का झांसा दिया गया। सूजा इस झांसे में आ गया और अंत में उसे निर्वासन जीवन व्यतीत करना पड़ा। सूजा के बाद मुंगेर का किला अलीवर्दी खान के पास गया। इसके बाद यह अंग्रेजों की मदद करने के लिए मीर कासिम के पास चला गया, लेकिन मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में इन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे। इसके कारण मीर कासिम ने खुद को अंग्रेजों से अलग कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के बजाय मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और इसे खूब अच्छे से सजाया। मुंगेर में मीर कासिम ने अपने लिए एक महल बनवाया, जिसके बाहरी दीवार पर
30 तोपों तैनात की थी और किले की बंदी को मजबूत कर दिया था। उस समय मीर कासिम के सबसे चहेते सेनापति गुरगिन खान, जिन्होंने अंग्रेज को अपना सेना बनाया था, गुरगिन की ही देन है कि मुंगेर में शस्त्रागार की स्थापना हुई, जो आज भी प्रचलित है। इतिहासकारों की माने तो 18वीं से 19वीं शताब्दी में बंदूकों के निर्माण होने की बात कही जाती है। इतिहासकारों ने यह भी बताया है कि उस समय एक बंदूक 32 रुपए में और राइफल 30 रुपए में बिकते थे। मीर कासिम से शुरू हुआ शस्त्र निर्माण आज भी हमें देखने को मिलता है। समय के साथ अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद मीर कासिम और अंग्रेजों को इसका दुर्गामी परिणाम झेलना पड़ा। मीर कासिम के चले जाने के बाद अंग्रेजी सेना मुंगेर आने लगी और अंततः मुंगेर किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मुंगेर का किला मीर कासिम के दो मासूम बच्चों की शहादत का भी गवाह है, जिन्होंने अंग्रेजों के लड़ते हुए अपनी जान दे दी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।